आजकल जो इनकी वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड हैं, कामयाबी की दास्तान इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये जो ऑनलाइन बिजनेस हैं इनमें बहुत ज्यादा पैसा है, अभी हमारी आवाम को पता ही नहीं है। देहाती इलाका है तो यहाँ पे परमिशन भी नहीं है, आप इस तरह से वीडियोस नहीं बना सकते। टिकटॉक 2019 में शुरू की थी तो अब जाके मेहनत का सिला मिला है। जहाँ से हम गुजरते हैं तो खिजर भाई खिजर भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ स्पेशल, मैं हूं आपका मेज़बान माजिद रंधावा। नाज़रीन ये हैं खिजर उमर, जिन्होंने एक ज़िला लैया जैसे पसमानदा ज़िले से इन्होंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट की, लेकिन आजकल जो इनकी वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनकी कामयाबी की दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। खिजर भाई, आपने एक पसमानदा ज़िले से आपने स्टार्ट लिया, आजकल आपकी वीडियोज़ जो वायरल हैं टॉप ट्रेंड पर हैं, क्या कहेंगे? यार ये बस अल्लाह का शुक्र ही कहूँगा, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मेहनत की है तो आज उसका सिला मिल रहा है बस। हमें ये बताएं आपने कब से टिकटॉक बनाना स्टार्ट की? यार ये मैंने स्टार्ट तो बहुत पहले से किया हुआ था, 2017 से मैं वीडियोस बना रहा था फेसबुक पे यूट्यूब पे, तब इतना ज़्यादा वायरल नहीं था। टिकटॉक 2019 में शुरू की थी तो अब जाके मेहनत का सिला मिला है, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव भी होता है, मोटिवेशनल भी, इंटरेस्टिंग भी। कितने पैसे आपको ये टिकटॉक और उतले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनसे मिल जाते हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग होती है इधर से, काफ़ी सारी अर्निंग होती है। सही, आपकी कौन सी ऐसी वीडियो है जिसका जो पिक पॉइंट था आपका, जिसने आपको वायरल किया दुनिया भर में? यार मेरी एक फर्स्ट वीडियो थी, वो भी सरेकी में थी, तो वो जब एक शेर मशहूर हुआ था ना, घर वांझ गया नहीं, तो उसके रिलेटेड थी, तो वो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई थी, तकरीबन उस पर 5 मिलियन व्यूज़ थे, तो वो जो वीडियो थी वो मेरे अकाउंट के लिए मतलब बूस्ट थी वो। अब अक्सर नौजवानों को देखा गया जो अपनी तलीम हासिल करने के बाद ये बहाने करते हैं कि जी हमारे पास कोई कारोबार नहीं है, लेकिन आप उनके लिए इस तरह मोटिवेशनल हैं कि मोटिवेशन है कि आपने अपना सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए, उनमें आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और आप अब पैसे भी कमा रहे हैं। नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे जो तलीम हासिल करके घर बैठे हैं? यार मैं उनको कहूँगा कि आप इस साइड पे आएँ सोशल मीडिया पे, ये जो ऑनलाइन बिजनेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा पैसा है, अभी हमारी आवाम को पता ही नहीं है, तो आप लक आजमाएँ अपना इस फील्ड में। अगर आपका लक नहीं चल रहा, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो फिर ये नहीं है कि आप इसमें धड़ाधड़ लगे रहें, टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप मेहनत करें। अगर आप मतलब आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपने एक लंबा अरसा ट्राई किया है आपको फिर भी रिस्पांस नहीं मिला, तो आप दुनिया में और भी तो बहुत से काम है ना, फिर आप कोई और ऑप्शन देख लें। आप एक पसमानदा ज़िले से तल्लुक़ रखते हैं, आपको टिकटॉक बनाने में कौन कौन सी मुश्किल दरपेश होती हैं, कौन कौन सी मुश्किल आपको आती हैं? यार मुश्किल तो बहुत आती हैं, कभी कभी जब हमारे इलाके के जो लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जब मैं कहीं वीडियोस बनाने जाता हूँ, तो देहाती इलाका है तो यहाँ पे परमिशन भी नहीं है, आप इस तरह से वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि औरतें वगैरह जैसे घास वगैरह काटने के लिए बाहर निकली हुई होती हैं, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है। और कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस लोग देख रहे होते हैं, रुक जाते हैं देख के, उस टाइम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बस। और तो आप वायरल हो गए हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, शुरू में लोग बातें करते थे, हंसते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से हम गुजरते हैं तो खिजर भाई, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखी है अब। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये खिजर उमर की दास्तान सुनी, उन्हीं की ज़ुबानी सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान माजिद रंधावा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।